शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। मार्केट टाइम्स टीवी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने कॉटन पर बताया था कि अप्रैल में अमेरिका के टेक्सास में सूखे के हालात थे, जिससे कॉटन की कीमतें 130 सेंट से 150 सेंट तक उछली थी। वहीं अब अमेरिका के टेक्सास और मिसिसिपी में अनुकूल मौसम की स्थिति बन रही है, जिससे इसकी बुआई भी बढ़ी है। यूएसडीए की रिपोर्ट के अनुसार कॉटन की बुआई अच्छी हुई है, इससे कॉटन की कीमतों में गिरावट बनी है। विदेशी बाजारों में कॉटन ने जो 150 सेंट का हाई लगाया था, उससे कीमतें सीधे नीचे 134 सेंट तक नीचे गिरी हैं। अगर 130 का लेवल टूटता है तो नीचे में 116 से 118 सेंट तक के लेवल्स कॉटन में देखे जा सकते हैं। घरेलू मार्केट में ऊंचे भाव के चलते इस बार कॉटन की बुआई अच्छी होने की उम्मीद जताई जा रही है। कॉटन की बुआई के रकबे में इस बार 20 से 25 फीसदी की बढ़त आने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अजय केडिया के अनुसार रकबे में इतनी बढ़ोतरी होती नहीं दिखेगी, क्योंकि बाकी फसलों के बुआई के रकबे में थोड़ी गिरावट है। कॉटन की बुआई के रकबे में लगभग 12 से 15% की तेजी रहेगी। इसी के चलते कॉटन की कीमतों में गिरावट बनी है। दूसरा, सरकार भी पहले ही सतर्क हो गई है और सरकार ने फैसले भी लिए हैं, जैसे कि कॉटन का आयात शुल्क मुक्त आयात करना। एक हफ्ते से 10 दिन तक कॉटन की कीमतों में ऐसे ही दबाव बना रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।